नाश्ता तैयार है। नाश्ता रेडी है, सुबह उठ जाओ जल्दी। रंगीला रुकिए, हम भी आ रहे हैं। बदमाश क्रो, हिम्मत है तो अपने से बड़े साइज वाले से मुकाबला करके दिखाओ। इसने तो बात दिल पे ले ली, ये तो मेरे पास ही आ रहा है। अरे कर भला तो हो भला, ये तो बिन बुलाए मेहमान की तरह मेरे पीछे ही पड़ गया। रुद्रा, कुछ तो गड़बड़ है। 22 का से 22 का सकूर पुष्टू। थैंक यू रुद्रा। थैंक यू रंगीला, आपने हमें बचा लिया। कुछ गलत हो रहा है। अरे वो तो अपने साथियों को लेकर आ रहा है। जान प्यारी है तो भागो। मायरान, तुमने तो मुझे कौवे की तरह उड़ा दिया। 22 का से 22 का नेट डिसअपीयर। चलो यहाँ से कुछ देर के लिए निकल जाते हैं। चलो सब जल्दी इस बॉल में आ जाओ। ठीक है। से तो पैलेस अच्छा लग रहा है, अंदर चलकर देखता हूँ कैसा है। यहाँ के लोगों ने मेरे साथियों का शिकार छीना है, अब मैं इनका पैलेस छीन लूंगा। आओ। खिलौने ले लो, खिलौने, मस्त खिलौने। अरे कर भला तो हो भला, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे। हाँ?
मैंने क्या गलती की? अरे मैंने क्या बिगाड़ा है? छोड़ो, अरे बस हो गया मजाक, अब उसको पकड़ो। बायरन, हाँ क्या है? आगे पुल है। बहुत हो गया इनका तमाशा, बाइस का से बाइस का। मुझे तो मैजिक भी नहीं करने दे रही है सब। अरे ये तो फिर पीछे पड़ गए। क्रॉस की वजह से देखो क्या हाल हो गया। वाह, सही मौके पे आया, बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खिला दो। लाओ लाओ। कौन हो तुम और पैलेस में कैसे घुसा है? इन कौओं को बाहर भगाओ, ये पैलेस गंदा कर देंगे। समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, बाहर निकलो। मैं हूँ इस पैलेस का नया किंग। ये क्या बोल रहे हो, ये जय सिंह चौहान और रुद्रा का पैलेस है। हाँ बच्चों, इसे किचन में ले जाकर बताओ ये किसका पैलेस है। जाओ। ओह नो, क्या कर रहे हो, ये गलत बात है। घुस बैठियो, तुम्हें रुद्रा नहीं छोड़ेगा। अरे अपने क्रोध से मेरा पीछा छुड़ा, मैं अच्छी तरह से बच गया। ये आपका पैलेस है, आप ही का पैलेस है। ये कौन है? ये किंग किंग। अरे क्या किंग किंग कर रहे हो, ये किंग कहाँ से बन गए? अब ऐसा है कि ये पैलेस तो मेरा है, मैं यहाँ का नया किंग हूँ, तुम लोग कहीं और जाकर रहो, गो। ये नहीं हो सकता। ये हो चुका है और तुम कुछ नहीं कर सकते। बाइस का, ये क्या कर रहे हो, हटो। मैं जानता हूँ तुम मैजिक जानते हो, पर हम तुमको मैजिक करने देंगे तब ना। कितना काटोगे? रुद्रा, अभी निकलो यहाँ से, इस मुसीबत का कोई सलूशन सोचकर फिर आएंगे। कभी कभी मिलने आना। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है, उसके ग्रोथ इतने फास्ट है कि मैजिक करने का मौका तक नहीं मिलता। इस तरीके से तो उससे जितना इम्पॉसिबल है, हमें छिपकर अटैक करना होगा। हम सब चुपचाप रात को पैलेस में घुसेंगे और फिर अटैक करेंगे।
बिल्कुल आवाज नहीं करना, चुपचाप रूम में चलो। नो, ये तो फिर पीछे पड़ गए। कर भला तो हो भला, इनसे पीछा छुड़ाने का बस एक ही है तरीका, भागो। अरे छिपने के लिए ये जगह अच्छी है, जल्दी निकलो। अरे बाहर निकलो, बाहर निकलो, पागल हो क्या, खा जाएगा। ये आवाज कैसी? अच्छा, छोटे छोटे होकर आए थे, वैसे ही छोटे हो और कितने छोटे हो गए। मेरी क्रो आर्मी के सामने तुम लोगों की वैसे ही नहीं चलती है ना, अब तो मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। हा 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 हा, इस बार छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम नहीं छोड़ूंगा। इन्हें ले जाकर मेरी सिटी से बाहर छोड़ाओ, जाओ। रुद्रा, आई थिंक दादाजी को मैसेज देकर बुला लेते हैं। दादाजी को क्यों परेशान करना, हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है, इस प्रॉब्लम का सलूशन भी होगा। चलो अलाजार सर के पास चलते हैं। हेलो अलाजार सर। हेलो रुद्रा, आओ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अभी अभी खबर मिली क्रोज ने तुम्हें परेशान कर रखा है। जी हाँ अलाजार सर, हम उसी के लिए आए हैं। आओ मेरे साथ। ये लो, ये तुम्हारे काम की बुक है। थैंक्स अलाजार सर। उड़ने वाले बड़े ही चंचल होते हैं, हिल ना सके अगर वो तो वो उदास रहते हैं। बस ये लास्ट लाइन और पढ़ लूं। इबाइस का स्मॉल साइज क्रिएटो। ओ, अब समझी उस रिडल का मतलब। चलो क्रो मजिशियन को ढूंढे, ख्याल रहे इसमें से कोई भी क्रो टच हो गया तो ये सब नॉर्मल हो जाएंगे। संभल कर कदम बढ़ाना। किसने टच किया?
ये सोचने का टाइम नहीं, बाहर भागो। इबाइस का क्रो फ्रीजो। तुम बच्चे बहुत ही ढीठ हो, ठीक है, इस बार तुम बच कर नहीं जा पाओगे। ये लो। भागते कहाँ हो तुम? पहले मेरे बच्चों का शिकार छीना और अब मेरी नींद छीन रहे हो। तुम एक छोटे से लड़के होकर क्रो मास्टर क्रोगोली से टकराने की बेवकूफी कर रहे हो। तुम ये पैलेस मुझसे कभी नहीं छीन सकते। रुद्रा की उम्र और रुद्रा के जादू पे कभी शक मत करना। अब तुम देखोगे मैं क्या चीज हूँ। चीते शेर से सब डरे, क्रो से डरे ना कोई। जब असली रूप दिखे क्रो का तब जाने डर क्या होए। कर भला तो हो भला। अरे ये क्या है भला? जीत गए, मैं हार गया। चलो बच्चों कहीं और चलते हैं। अरे क्या हुआ, तुम पर मेरी बात का असर क्यों नहीं हो रहा? ओह रुद्रा, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने क्रोगोली को अपने मैजिक से नॉर्मल इंसान बना दिया। इसने अपने मैजिक से हमें कब्जे में कर रखा था, हमें इसकी हर बात माननी पड़ती थी, पर अब हम आजाद हैं। जाओ और मजे करो। तुम सबने मेरे फ्रेंड जिमजुम को पकड़ा था, इसलिए इतना सब हो गया। सॉरी रुद्रा, मैंने अपने मैजिक का गलत इस्तेमाल किया, मुझे उसकी सजा मिल गई है। अब मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, प्रॉमिस। अरे कर भला तो हो भला, इसी बात पे पार्टी हो जाए, क्यों चिल्ली? हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो तैयारी शुरू करते हैं।